सेकुलरिज्म एक ऐसा लफ्ज है जो मुसलमानों को जितना धोखा इस लफ्ज ने दिया किसी ने नहीं दिया। हर अखबार में अब यूपी का चुनाव आ रहा है, अब मैं कल जा रहा हूं कानपुर को, तो जैसे मैं अब शुरू हो गया वहां पर ओएसी आ रहा है सेकुलरिज्म कमजोर होगा। अरे क्या सेकुलरिज्म का ठेका तुमने लेके रखा है? एजुकेशन की बात करो, इंसाफ की बात करो, राइट की बात करो, हिस्सेदारी की बात करो, तभी लड़ाई कामयाब होगी। नौजवानों मैं तुमसे मुखातिब हूं, नौजवानों तुम्हारा मुस्तकबिल है कल। आज जो 20 साल के बच्चे हैं कल तुम्हारी शादी होगी इंशाल्लाह, करेंगे ना। बैचलर नहीं रहना, जितने हैं सब परेशान कर रहे पूरे मुल्क, समझे ना। घर में जरूरी है, घर में रहे तो मर्द का दिमाग भी हल्का रहता। या पूरे बैचलर कुछ नहीं, मगर क्या कहेंगे, नहीं तुम पढ़ाई की बात मत करो, ओवैसी को कैसे हराया जाए, तुम पढ़ाई की बात मत करो, इम्तियाज जलील को दोबारा एमपी ना बनने दिया जाए, तुम पढ़ाई की बात मत करो, फारूक शाह दोबारा दुनिया से मिले ना बने, तुम सेकुलरिज्म की बात करो। और सेकुलरिज्म एक ऐसा लफ्ज है जो मुसलमानों को जितना धोखा इस लफ्ज ने दिया किसी ने नहीं दिया।